प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह के। मेरे अजीजों कैसे हो आप सब? परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अभी तक जिंदा रखा है। और आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, और आज की जो पांच भविष्यवाणियाँ है वो पूरी दुनिया के लिए है। फिर से जब तक प्रभु मुझे बताता रहेगा तब तक मैं आपके सामने आता रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानना पहला कर्तव्य है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ तेरा दास तेरी सुनता है, और जब तू बोलता है तभी मैं बोलता हूँ, और जितने सुनने वाले वो मान लेते हैं कि तू ने ही बोला है कि हर भविष्यवाणी तू ही पूरी करवाता है, और मैं जानता हूँ जो उनके जीवन में है वो भी पूरी होगी। पिता आज इस प्रार्थना संदेश भविष्यवाणी के लिए पिता तूने मुझे तैयार करा, मुझे हिम्मत दी, ताकत कुवत दी, सामर्थ्य से भरा बोलने की शक्ति दी, सिर्फ तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। आज जितने लोग देख रहे हैं वो जान लेंगे कि वाक्य में परमेश्वर जो बोलता है वो सच करता है, और इन्होंने जान भी लिया है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो तू भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा, दर्शन के द्वारा और पवित्र वचन के द्वारा बताई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। संकट है पिता, संभालना हम सबको, सहायता करना पिता। तेरा दास जब बोले तो मैं नहीं परंतु बोले, और हमेशा ऐसा ही होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज प्रभु आपको आशीषित करे। पांच भविष्यवाणियाँ, और ये पांच मामूली भविष्यवाणी नहीं, कोई भी भविष्यवाणी मामूली नहीं होती। सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर भविष्यवाणी प्रभु ने बताई है ये पूरी दुनिया के लिए, इंडिया से लेकर भारत तक। और जो भविष्यवाणी प्रभु ने बताई है इसे मजाक में मत लेना, इसे अनसुना मत करना। अगर आप अनसुना करते हो, मजाक में लेते हो, तो गलती ये आपकी ही होगी। अगर आप ये सोचते हो अरे कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, तो परमेश्वर कितनी भविष्यवाणी को पूरी कर चुका है, आपके सामने है। और जब जब परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं आऊँगा, सुनना ना सुनना आपके है। लेकिन अगर आप मिस करते हो, तुझ समझते हो भविष्यवाणी को, तो प्रभु हमें भी तू समझता है, यानी कि जो तू समझता है उनको। मेरे अजीजों कान खोलना, आंखें खोलना, क्योंकि संकट बहुत भयंकर बताया है। और मैं सारी पांच भविष्यवाणी लिख ली है। आत्मा में जब प्रभु बोलता है, दर्शन दिखाता है, तो मैं लिख लेता हूँ उसे। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं सारी भविष्यवाणी की बात करूँगा। और आपको ये भविष्यवाणियाँ शेयर भी करनी है, विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है मेरे साथ मिलकर कि प्रभु दया कर। अगर कोई इंसान इस भविष्यवाणी को तू समझ रहा है, मना कर रहा है, वो आपके साथ है, उसे समझने दो। आप मत समझो, आप तो परमेश्वर के बेटे हो, बेटियां हो, आप तो जानते हो प्रभु जो बताता है सच होता है, ताकि आप पे दिक्कत ना आए, आपके परिवार पे दिक्कत ना आए। जो सुनेगा वो समझेगा, और जो नहीं सुनेगा वो पछताएगा। आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, जकरिया एक अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। जकरिया एक, दारा के राजा के दूसरे वर्ष के आठवें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बर्मिया का पुत्र एदो का पोता यहुआ का ये वचन, एदो का पोता था यहुआ का ये वचन पहुंचा, यहुआ तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहुआ यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहुआ की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मौका दे रहा है मेरा और आपका परमेश्वर, छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो पाप, छोड़ दो ये सब चीज़ें जो संसार में है, संसार के उस चीज़ों को जो शैतान लेके आपके पास आता है। आज ये कीमती समय जो आप दे रहे हो, ये बहुत कीमती समय है, ये बेकार नहीं जाएगा, बल्कि आपका बचाव होगा। पवित्र बाइबल इस प्रकार कहती है कि इसलिए कि तू इन लोगों से कहे, सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, ये मेरा नहीं है वचन, मैं तो एक मनुष्य हूँ, तुझ प्राणी हूँ, राखक मिट्टी हूँ। मेरे परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का वचन है, हालेलुया, यहोवा की वाणी है। आज आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए, लेकिन उससे पहले हमें और आपको प्रार्थना करनी है। फिर क्या लिखा है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे
उनसे तो पूर्व काल के भविष्यता ये पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं के वह यूं कहता है, अपने बुरे मार्ग से और अपने बुरे काम से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की वाणी है। उन समान अभी मैंने बताया था ना, उनके समान मत बनो जो नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, उनके समान मत बनो। परमेश्वर कहता है कि मैंने भविष्यताओं के द्वारा बातें करता हूँ और उनके भविष्य को पूरा करता हूँ। ये मैं नहीं, परमेश्वर का है आत्मा। और जब आप भविष्यवाणी की चीज़ें देखते हो, रिसीव करते हो, प्रार्थना करते हो, संकट की भविष्यवाणी टल जाए, तो परमेश्वर आपके जीवन की भविष्यवाणी तो पूरी करेगा। जब आप सुनते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, फिरते ही नहीं हो, तो कौन सी भविष्यवाणी हमारे और आपके लाइफ में पूरी होगी? आज परमेश्वर साफ शब्दों में कह रहा है, क्योंकि इस भविष्यवाणी को बहुत भयंकर रूप से बताया है परमेश्वर। फिर क्या लिखा है? बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना ना मेरे ओर ध्यान दिया। यहोवा की वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञा जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वह तुम्हारे पुरखों पर पूरी ना हुई? हुई ना, सारी भविष्यवाणी पूरी होता परमेश्वर। तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। परमेश्वर जो बोलता है हाँ और आमीन के साथ वो पूरा करता है। मेरे अजीजों, देखना आपका काम है, प्रार्थना करना आपका काम है, मेरा काम है परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आप तक वो संदेश पहुँचाना, भविष्यवाणी पहुँचाना। अब कितने लोग इसे क्या बोले, कितने लोग क्या बोले, नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर प्रभु का दास आपके सामने आता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि जिस राखक मिट्टी को चुना है, सबसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान को परमेश्वर ने इतना बड़ा ओहदा दिया, अपने सर पर उसने अपना हाथ रखा, उसने मेरा अभिषेक करा। यर्मिया 1:4 के अनुसार उसने मुझे ये पदवी दी है, ये वरदान दिया है। और वचन कहता है जब हम पवित्र आत्मा में होकर बोलते तो परमेश्वर पूरी करता सारी बातें। अभी 5 भविष्यवाणी बताई थी और वो 4 पूरी हो चुकी है। एक तो चमत्कार की है, वो तो आपके जीवन में होना ही होना है। ये जो 5 है, ये 5ों के 5ों भयंकर संकट है, इंडिया से लेकर बाहर तक, एशिया हो, फॉरेन कंट्री हो, इंडिया हो, गांव हो, शहर हो, सिटी हो, हर जगह ये संकट है, भयंकर है। और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर दया करें, लेकिन आप इस चेतावनी से अनजान ना हो। मैं फिर कहता हूँ, ये मौका प्रभु आपको देता है। पहली भविष्यवाणी, जैसे अभी हमने पढ़ा था जकरिया में, उन्हें कहा कि मैं अपने नबियों को भेजता हूँ, भविष्यवक्तों को भेजता है, परमेश्वर बातें करता है। आज प्रार्थित करेंगे, घुटने टेको, मन फिराओ, संभव है परमेश्वर ये संकट टाल दे। हालेलुया। पहली भविष्यवाणी, रेलगाड़ी, ट्रेन। मेरे जैसे आप सुनोगे, इंडिया से लेकर बाहर तक ट्रेन के हादसे से, जब मैं बैठा था इसी सीट पर, प्रभु ने मुझे ट्रेन दिखाई आंखें खोलते हुए। बहुत चीज़ ऐसे दिखाता है, ट्रेन के डिब्बे उल्टे पड़े हैं, भयंकर तरीके से उल्टे पड़े, पलट गई ट्रेन। ट्रेनों के हाथ से सुनोगे, भयंकर। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर रोक दे। लिख लो आज इन सबको, और प्रार्थना करना है आपको कंटिन्यू। पहली भविष्यवाणी है रेल हादसे, दूसरी भविष्यवाणी है भूकंप, नॉर्मल भूकंप नहीं, 3.5.7 से स्टार्ट होगा, 7 तीव्रता जिससे गति होती है, 7 से स्टार्ट होगा, 7, 7.5, 8, 8.5, अधिक से अधिक जाएगा और भयंकर आएगा। इंडिया से लेकर बाहर तक, पूरी दुनिया के लिए
पूरी दुनिया कपकपा जाएगी इन पांच घटनाओं से। तेज भूकंप, दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी है सीएम, चीफ मिनिस्टर, नेताओं पे संकट, राजनीति पे संकट, इंडिया से के बाहर तक संकट आएगा, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो परेशानी का हो, चाहे वो सरकार बदलने का हो, कैसा भी हो, आपको सुनने में आएगा संकट आएगा। चौथा है युद्ध, जाति पे जाति लड़ाई करेगी, युद्ध लड़ाइयाँ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इसराइल हो, चाहे वो कोई भी सिटी हो, युद्ध देखोगे और भयंकर होगा ये भी, लिख लो आसारी। और पांच के अंदर दो है, जहाज, समुंदर हो या पानी के, यानी कि पानी के जहाज हो या हवाई जहाज, विपत्ति देखोगे, पानी के जहाजों को पे भी संकट आएगा और ऊपर के जहाजों पे भी संकट आएगा। पांच भविष्यवाणियां है ये, पांच भविष्यवाणियां, भयंकर कपकपा जाएगी पूरी दुनिया इन हादसों से, इन संकट से। हम और आप प्रार्थना करते, जब परमेश्वर मुझे दिखाता है वो क्यों दिखाता है, ताकि आप चौकस हो जाओ, बचो। अभी आपके सामने सारी भविष्यवाणियां पूरी करिए परमेश्वर ने, पानी का संकट, पहाड़ का संकट और जंगल का संकट, बॉलीवुड का संकट, अभी तो बॉलीवुड पे और आएगा, और चमत्कार, चमत्कार भी देखोगे आप। इन भविष्यवाणियों को भी लिख लो, आपकी मर्जी है, प्रार्थना करो मत करो, देखो या मत करो, लेकिन प्रभु ने जो कहा वो काम है मेरा आप तक पहुंचाना। परमेश्वर को सुपर ब्लेस करे। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, इस भविष्यवाणियों के लिए, और परमेश्वर दया मांगेगी यीशु मसीह के नाम में, और जो आप देख रहे हो उनके लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे पहले जो आपने वचन दिया इसके लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप वो वचन देते हो जिससे मुझसे बातें करते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ आज पांच भविष्यवाणियों के लिए पिता, आप अपनी इच्छा बदल सकते हैं। हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना क्रोध को कम करें, दया करें, शांत करें और प्रभु जी रहम करें पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोग देख रहे पिता, जो देख रहे पिता, आज उनके जीवन की जो भविष्यवाणी हो चुकी है वो भी पूरी करना, क्योंकि वो आपके भविष्यवाणी का आदर करते, विश्वास करते, प्रार्थना करते और रिसीव भी करते। इसलिए पिता आज जहाँ जहाँ ये लोग सुन रहे हैं वो भी सुपर ब्लेस, उनको भी सुरक्षा देना, वो चाहे रेल में बैठ के जाए, चाहे वो हवाई जहाज में बैठ के जाए, चाहे वो कुछ भी करे, उनको सुरक्षा देना हर एक को पिता। और ये सुरक्षा पूरी दुनिया पे भी हो, बस तू दया कर पिता, दया कर। आपने कहा है पिता, इसलिए मैंने यहाँ आया हूँ इनके सामने, आपकी इच्छा पूरी हो। सारा आदर महिमा आपको देते, सुरक्षा देना हर किसी को, जब ये भविष्यवाणी पूरी हो तो तेरी दया हम सब पर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे और हर संकट से बचाए। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा।